कोई भी घटना हो, चाहे सांप्रदायिक हो या कोई आपराधिक हो, जैसे दंगा हुआ है बहराइच में, मैसी में, महाराजगंज में, आहत होता है हर व्यक्ति, पूरा नागरिक होता है, और समाज के वो विशिष्ट क्षेत्र सबसे ज़्यादा उसमें आहत होते हैं, और होना भी चाहिए, जो उनके सीधे सीधे आम आदमी के पास जिम्मेदारी होती है, समझ होती है, उनके अंदर एक भावुकता होती है संवेदनशीलता के स्तर पर। हमारे साथ हैं महसी के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन मिश्रा जी। राजन मिश्रा जी, क्या मुझे बताएंगे ये पूरा मामला, आपने, आप घटना के स्थान तो नहीं थे, लेकिन आपने जो समझा और पूरी घटना को देखा कि आपके घर का घर फूका गया है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत गलत है, जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, दोनों पक्षों के तरफ से जो हुआ वो पूरी तरह से निंदनीय है। कभी खोजने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की, किसने, 10 दिन हो चुका है, ये कैसे हुआ? नहीं, अब जहाँ तक ये सुनने में आया कि भाई प्रशासन की, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और उसमें कुछ उद्दंड लोग भी थे, तो इसी में कुछ विवाद उनके आपस में हुआ। प्रशासन के ऊपर सारा फेल देते हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, पूरे समाज की है, कि वो पहले से इस चीज़ों को सूंघते कि आज पूरा मामला क्या हो रहा है, या ये अचानक हो गया या इसके पीछे पहले से ही कुछ बुआई जुताई चल रही थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता है। ये है कि अचानक उस समय जो भी परिस्थितियां बनी होंगी, अचानक ही हुआ होगा, पहले से ऐसा कुछ जानकारी नहीं। क्यों उसके बाद आपका एक ऑटो गैराज फूंक दिया गया, एक अस्पताल पूरा फूंक दिया गया, ये यूं ही मजाक में तो नहीं हो गया? नहीं, मजाक में नहीं हो गया, लेकिन ये है कि अब आक्रोश में एक आदमी मरा, उसके आक्रोश में कुछ लोग आंदोलित हुए। तो फिर ये देखना पड़ेगा जो मारा गया उसका दोष है या वो गुनाहगार भी है? जी, अब ये तो देखना ही पड़ेगा। यही तो एक वकील के तौर पर आप क्या देखते हैं? नहीं, उसको चूंकि छत पर किसी के चढ़ना नहीं चाहिए, ये गलत है, लेकिन अब उस समय परिस्थितियां क्या रही हैं तो हम नहीं बता सकते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में भी क्या दूसरे के धार्मिक झंडे को तोड़ना और बर्बाद करना और उस पर रेलिंग तोड़ना, उसके घर में एक आपराधिक कृत्य करना, ये गलत है। और इसके साथ साथ ये भी गलत है कि अगर कोई ऐसा कर जाता है गलत, तो उसके साथ कानून बना है, कानून में उपशम है, लेकिन उसको जान से नहीं मार दिया जाएगा, ये भी गलत है। एक शिवानी वकील है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसने उसने बताया कि उसके घर में कुछ गुंडे आ गए थे और उसने उसको करना चाहता, तुम्हारी बेटी को निकालो, उसको हम रेप करेंगे वहाँ पर। घर में उसके पास राइफल नहीं थी, लेकिन अगर राइफल होती और उन लोगों को सीधे गोली मार देती वो, तो कौन दोषी होता? प्रीमा फेसाई तो ये है कि पुलिस के नंबर सबको अलर्ट हैं, सबको दिए गए हैं कि हाँ पुलिस जो है सबसे पहले कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो पुलिस को कॉल किया जाए, पुलिस आएगी मामले को सबट्रैक्ट करने का। क्या आपने देखने की कोशिश की कि उस समय पुलिस मौजूद थी या नहीं? अब ये तो हम मौके पर नहीं थे, कितनी उसके बाद तो आपने देखा होगा। हाँ, बाद में तो फोर्स, 2-3 दिन तक तो यहाँ फोर्स ही रही, कोई आया गया नहीं। वही मैं जानना चाहता हूँ, उन तथ्यों को समेटने की कोशिश की, सहेजने की कोशिश की आपने, कि जो लोग वहां पर वहां मौजूद हैं उनके साथ सुरक्षा के लिए लगे हुए पुलिस वाले वहां मौजूद हैं या नहीं? नहीं, एट दैट टाइम जो है फोर्स थी कि नहीं थी पर्याप्त, ये तो नहीं, पुलिस वाले जरूर थे लेकिन पर्याप्त थे कि नहीं थे ये तो नहीं पता। हाँ। लेकिन ये है कि घटना के बाद फोर्स काफी तैनात हो गई। जब वीडियो सामने आ रहा है रामगोपाल की, जब लाश को घर से निकाला जा रहा है, उस समय भारी पुलिस वहां मौजूद की है, क्या इस तथ्य को आप अनदेखा करेंगे? उस समय जो वीडियो आया है उस समय लाश उनकी निकाली गई है, फोर्स थी, अब कितनी फोर्स थी ये तो नहीं है। हाँ। लेकिन फोर्स जरूर पहुंच गई थी। हाँ। अब कोई सूचना हुई होगी पुलिस को तो पुलिस ने अपना वहाँ तैनाती बढ़ाई हो, तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब ये है कि पहले से चूंकि ये प्रशासन को शांति व्यवस्था के लिए तो देखना ही चाहिए। हाँ। अब उसमें कुछ कमी जरूर रह गई। हाँ, कुछ पहले से कमी जरूर रह गई, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में पुलिस प्रशासन रहा। हाँ। कि ऐसा कुछ यहाँ संभव नहीं है, होगा नहीं। उस घटना के बाद जो बाद आज तक भी जैसे जो घटना हुई है उसके बाद उस गांव में लोगों को पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। मैं खुद जाने कर रहा था किराए पर, जो अपोजिट के पास फोटो भी खींच रहा था, तो पुलिस वाले उस पर एतराज कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति क्या है? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं समाज के लिए, इसलिए कि वहाँ के तमाम अधिवक्ता बादकारी आते हैं
और जाते हैं, तो अब उस गांव के भी आते जाते हैं, उस गांव के आगे के भी आते जाते हैं। तो इसलिए ये तो हम नहीं मानते हैं कि हाँ भाई किसी को आने नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ किसी विशेष को आने जाने में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, बाकी तो बातकारी आते जाते हैं और वहाँ के और उस गाँव के आगे से भी जो वकील हैं वो भी आते जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस लगी है लेकिन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए कोई रणनीति आपके पास है? अब रणनीति के लिए तो ये है कि चूंकि सांप्रदायिक सद्भावना जब तक नहीं कायम होगी तब तक इसकी संभावनाएं बनी रहेंगी, और संभावनाएं बनी रहेंगी तो इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना ही पड़ेगा। नहीं, इस समय आपके यहाँ कितने वकील हैं? हमारे यहाँ लगभग 120 वकील। 120 और ब्राह्मण कितने होंगे? ब्राह्मण उसमें लगभग 65-70 ब्राह्मण। अच्छा, मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम शून्य हैं। एक भी नहीं है? कोई भी अधिवक्ता मुस्लिम नहीं है। वजह क्या है? तो वजह क्या, या तो वो विधिवत स्नातक होकर के नहीं आए होंगे या कहीं दूसरी जगह पसंद किया होगा, महसी में नहीं बैठ रहे हैं फिलहाल, ये हम जानते हैं कि यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। पढ़ाई के स्तर पे क्या है मुसलमानों का? मुसलमानों के पढ़ाई का स्तर तो अब हिंदू के स्तर अनुपात में तो उनका पढ़ाई का स्तर थोड़ा पीछे जरूर है। और आर्थिक स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है, हिंदू से आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन शिक्षा का स्तर कम है। और फिलहाल हमारी तहसील में, हमारे बार एसोसिएशन में कोई भी मुस्लिम अधिवक्ता पंजीकृत नहीं है। तो ये है राजवंत मिश्र जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्री कुमार सर।